आप अगर एक फ्रेशर भी हो ना, तो जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ पे अगर 2 महीने बिताओगे ना, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिर्फ गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। अगर आप आईटी वर्ल्ड में काम कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक तगड़े प्रोग्रामर हो या फिर कोडर हो, देन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपके लिए कि आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए टू ग्रो फर्दर इन फ्यूचर, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। चाहे आपने जितनी मर्जी लैंग्वेजेस करनी हो, चाहे आपने जितना मर्जी पढ़ लिया हो, उस चीज की जरूरत हमेशा पड़ती ही पड़ती है, और वो होता है गूगलिंग। गूगल किस तरह से किया जाता है, ये चीज जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये चीज मैं आपको एज ए एक्सपीरियंस वन की तरह कह रहा हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मान लो कि अगर आपने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज में एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस के बारे में भी पता है, लेकिन इन द एंड आपको गूगल करना आना चाहिए। किस तरह से जो भी आपके एरर निकल रहे होते हैं उनको किस तरह से गूगल करना चाहिए, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है उसमें किस तरह से आप गूगल कर सकते हो। और देखिए, गूगल करना भी एक आर्ट होती है जो कि सबके बस की बात नहीं होती। आपको मैं अगर अपना ही सिनेरियो बताऊं, तो मैं दूसरी कंपनी में था, जब मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैं कुछ भी दे देता था कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो उस चीज को सर्च करके बता देता था, और मैं घंटा 2 घंटे उसी काम को लेकर गूगल करता था और मुझे वो चीज नहीं मिलती थी। तो ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च किए होंगे जिसके कारण उसको वो रिस्पांस मिल गया जो कि मुझे नहीं मिला। देन आई रियलाइज कि यार गूगलिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक और सिनेरियो था कि मेरी कंपनी में उस टाइम पे कोई पाइथन डेवलपर नहीं था, तो मुझे हेल्प की जरूरत थी उस टाइम पे, तो मैंने किसी ऐसे बंदे से हेल्प मांगी जो कि प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर था, जिसने बैक एंड पर बहुत कम काम किया था, और उसको मैंने कुछ कुछ एरर्स बताए कि मुझे ये एरर्स आ रहे हैं जो कि मैं इंटरनेट पर फाइंड नहीं कर पा रहा। तो उस बंदे ने सिर्फ आधा घंटा लगाया और उस बंदे ने वो सारे के सारे एरर मुझे निकाल कर बताए, और उसने उनका सोल्यूशन भी निकाल कर दे दिया और मुझे कहा कि ये देखो अब तुम्हारा कोड प्रॉपरली रन कर रहा है। और आई वाज शॉक्ड। मैंने सोचा कि मैं भी सेम यही एरर्स नेट इंटरनेट पर जाकर सर्च कर रहा था, तो मुझे क्यों नहीं मिले। और मुझे उस टाइम पे भी ये चीज रियलाइज हुई कि यार गूगलिंग करना इज एन आर्ट जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या क्या कीवर्ड यूज करने होते हैं, किस तरह से सर्च करना होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। मैंने एक बार जैंगो में कुछ चीज इंपोर्ट कर रहा था, मुझसे वो चीज इंपोर्ट नहीं हो रही थी, और मैंने अपने लीड को बोला, भाई उन्होंने प्रॉपर की एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर निकाल दी, पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था उस एरर को उस टाइम पे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था। उन्होंने सिर्फ 5-10 मिनट लगाए और उन्होंने मुझे वो सारी डॉक्यूमेंटेशन निकाल कर दे दी कि इस तरह से तुम्हें ये सब चीज़ करनी है। भाई मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि गूगलिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चाहे आपको जितनी मर्जी लैंग्वेजेस आती हो ना, अगर आपको गूगल करना नहीं आता तो आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस धरी की धरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई एरर आता है तो उस एरर को जब आप गूगल पर सर्च करते हो तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से निकालना चाहिए, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जब आप आईटी वर्ल्ड में जाओगे ना, आप खुद भी रियलाइज करोगे कि जितने भी बंदे वहाँ पे ओरिजिनली काम कर रहे हैं वो सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं कि जितने भी उनको एरर आते हैं वो सब गूगल करके उनको सर्च करते हैं। किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों के एरर के बारे में जान सकता हो और उन सब चीज़ों को सिंपली अपने बिना गूगल किए सर्च करके कर सकता हो। किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता। हाँ, किसी के पास होता होगा तो भाई अच्छी बात है, जनरली 99% लोगों के पास नहीं होता। आपकी ही बात ले लूँ तो मान लो कि आप एक प्रॉपर किसी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो, कल को कोई ऐसा मॉड्यूल लगाना पड़ता है जिसके लिए आपको नहीं पता होता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी चाहिए, या फिर कई बार आप सिंटैक्स भी भूल जाते हो, उस टाइम पे भी आपको इंटरनेट पर जाकर सर्च करना पड़ता है, तो आपको वहीं से ही प्रॉपर सिंटैक्स मिल जाता है ताकि उसको आप अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट, जितना टाइम आप इन सब चीजों में यूटिलाइज करने में लगाते हो, नई नई टेक्नोलॉजीज को लर्न करने में, उतना ही टाइम आप किसी पर्टिकुलर एरर को किस तरह से सर्च किया जाता है या फिर गूगलिंग किस तरह से की जाती है, उसका असली मतलब क्या होता है, वो सब चीजों के बारे में भी जानिए। और ऐसे में ये चीज तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप जब किसी कंपनी में जा रहे होंगे तो इंटरव्यू में आप ये चीज बोल दो कि सर मुझे गूगल करना बहुत अच्छा आता है तो मुझे रख लीजिए, मुझे वैसे इसकी नॉलेज नहीं है। भाई
नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप गूगल में जाकर एरर को सर्च करोगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करोगे वो चीज तो आप तभी कर पाओगे जब आपको उस चीज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने उस लैंग्वेज में इसको पढ़ा भी होता और वो करके दे देते हैं, जैसे कि मैंने जिस बंदे की एग्जाम्पल आपको अभी दी थी। कुछ बंदे होते हैं जिनको नहीं भी पता होता लेकिन उनको पता है कि किस तरह से करना चाहिए, वो कर देते हैं। गूगलिंग किस तरह से की जाती है वो उस हिसाब से कर देते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप अगर एक फ्रेशर भी हो ना तो जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ पे अगर 2 महीने बिताओगे ना तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिर्फ गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कि यार ये एरर आ रहा है तो मैं इसका रिजल्ट क्या लिखूं, तो वो वहां से कोई क्वेरी निकालकर फिर वहां पे अपने कोड में जाकर ठीक करते हैं। तो ये हर कोई करता है, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। 2 महीने की बात है, जब आप एज ए फ्रेशर के बाद किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ उसकी क्या वैल्यू है, और जब आप जाओगे तो आपको वो सब चीजें खुद ही सीखनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जो भी मैं आपको कहना चाहता था। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस क्वेरी का रिप्लाई करने का। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।